हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक स्ट्रैटेजिक इवेलुएशन सो लेट स्टार्ट सो फर्स्ट ऑफ ऑल वट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजिक इवेल्यूएशन नेम ही सजेस्ट कर रहा है स्ट्रैटेजिक इवेल्यूशन इवेल्यूशन का मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ को ये देखना ये असेस करना कि क्या वो सही तरीके से परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही उसको हम बोलते हैं इवेल्यूएशन और स्ट्रैटेजी क्या होती है जो भी स्ट्रैटी हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी प्लान और कोर्स ऑफ एक्शन बनाते हैं दैट इज स्ट्रैटजी तो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाया गया प्लान हमारी स्ट्रेटजी होती है और क्या हमारी स्ट्रैटी सही से काम कर रही है या नहीं कर रही क्या हम स्ट्रैटजी के थ्रू अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए इसी चीज़ को असेस करने को हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी की इवेल्यूएशन सो स्ट्रैटेजिक इवेलुएशन का मीनिंग क्या हुआ स्ट्रैटेजिक इवेलुएशन इज टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रैटजी इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कि स्ट्रैटेजिक इवेलुएशन के अंदर हम क्या इवेल्युएट करते हैं कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी जो प्लान या कोर्स ऑफ एक्शन हमने बनाया था वो इतना इफेक्टिव रहा कि उससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए उसको इवेल्युएट करना ही स्ट्रैटेजिक इवेल्यूएशन है अब आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है आपने एक प्लान किया है आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको अपना फ़ाइव परसेंट प्रॉफिट इस ईयर में इंक्रीज करना है अब आपका ऑब्जेक्टिव है फाइव परसेंट प्रोफिट को इंक्रीज करना उसे इंक्रीज़ करने के लिए आपको कोई ना कोई प्लान कोई ना कोई स्ट्रेटजी तो बनानी पड़ेगी अब मान लो उसे इंक्रीज़ करने के लिए आपने एक्सपेंशन स्ट्रेटजी बनाई कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तरीके के प्रोडक्ट लेके आएंगे और उसके थ्रू अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करेंगे तो आप अपनी स्ट्रैटेजी से क्या पाँच परसेंट प्रॉफिट बढ़ा पाए या नहीं बढ़ा पाए वो आपको कैसा पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ स्ट्रैटेजिक इवेल्यूएशन यानी कि जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई है वो क्या उतनी इफेक्टिव है उससे हम अपने और... जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव कर पाए या नहीं कर पाए उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक इवेल्यूएशन। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं अ प्रोसेस ऑफ डेटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अ गिवन स्ट्रेटजी। कि जो स्ट्रेटजी आपने बनाई है उसकी इफेक्टिवनेस को डेटरमाइन करने को ही हम क्या बोलते हैं स्ट्रेटेजिक इवेलुएशन और उसकी इफेक्टिवनेस हमें कैसे पता चलेगी कि क्या हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए या नहीं दो टर्म्स होती हैं इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो उसके अंदर इंक्लूड होता है कि कितने अच्छे से हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं बट इफेक्टिवनेस किस चीज़ से रिलेटेड होती है आपके ऑब्जेक्टिव से कि क्या आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पा रहे हो तो आप इफेक्टिव हो नहीं कर पा रहे तो इन इफेक्टिव हो अगर आप अच्छे टाइम पे वर्क कर रहे हो सही कोस्ट में वर्क कर रहे हो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इफेक्टिव हो उसका मतलब है कि आप एफिशिएंट हो अगर आप अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे रिसोर्सेज को टाइम पे काम नहीं हो पा रहा तो आप इनफिशियंट हो बट आप इफेक्टिव तभी होगे जब आप अपने गोल को अचीव कर पा रहे हो तो स्ट्रेटेजिक वैल्युएशन हमें क्या बताता है कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो इफेक्टिव है क्या उसकी हेल्प से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अल्टीमेट गोल को अचीव कर पाए या नहीं कर पाए दैट इज स्ट्रेटेजी की वैल्युएशन अब स्ट्रैटेजिक इवेल्यूएशन दो लेवल पे होता है स्ट्रेटेजिक लेवल पे और ऑपरेशनल लेवल पे जो ऑपरेशनल लेवल है वो ट्रेडिशनल टर्म है यानी कि पहले से ही हम ऑपरेशनल लेवल का स्ट्रेटेजिक इवेलुएशन करते आ रहे हैं बट स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो स्ट्रैटेजिक इवेलुएशन करना है वो न्यू कॉन्सेप्ट है जैसे पहले की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे ही फोकस करती थी कि अगर हमने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया इसका मतलब स्ट्रैटेजी इफेक्टिव थी ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर पाए तो स्ट्रेटेजी इफेक्टिव नहीं थी फॉर एग्जाम्पल कि हमने लिया था फाइव परसेंट प्रॉफिट को इंक्रीज करना अगर एट द एंड ऑफ द ईयर हमने फाइव परसेंट इंक्रीज़ कर लिया है इसका मतलब हमारी जो स्ट्रेटजी थी वो क्या थी इफेक्टिव बट अगर एट द एंड ऑफ ईयर हम इंक्रीज नहीं कर पाए तो हमारी स्ट्रेटजी क्या थी इनईफेक्टिव वो है हमारा ऑपरेशनल लेवल यानी कि ऑपरेशनल लेवल सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उस पर फोकस करता है बट स्ट्रैटिक लेवल जो है वो हमारी एनवायरनमेंट को कंसीडर करता है अब जैसे आप कोई भी प्लान बनाते हो कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हो आप कोई ना कोई एज्यूम करते हो ना जैसे आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप कल का स्केड्यूल बना रहे हो कि आपको कल कितनी देर पढ़ना है तो आप पहले से एज्यूम करते हो कि मुझे किस काम में कितना टाइम लगेगा बट आपने जो एज्यूम किया है क्या जरूरी है सारी चीज़ें वैसे ही हों मान लो कल आपके घर पर कोई गेस्ट आ गए गे, तो स्केड्यूल चेंज होगा या नहीं होगा आपके घर गेस्ट आ गए आपको बाहर जाना पड़ गया या कोई और काम हो गया तो हमारी स्ट्रैटेजी जो हम बनाते हैं वो कुछ ना कुछ एजम्पन्स लेके बनाते हैं कि मार्केट हमारा ऐसा रहेगा एनवायरमेंट हमारा ऐसा रहेगा बट क्या हमने जो एजम्पन्स ली थी जरूरी तो नहीं है ना वो एजम्पन्स हमेशा सेम रहेंगी तो हम एन्वायरमेंट के व्यू पॉइंट से जब स्ट्रेटजी को इवेल्युएट करते हैं कि क्या जो हमने एजम्पन्स बनाई थी वो एक्चुअल में वैसी ही रही या नहीं रही उसके बेस पर जब इवेल्यूएशन होता है दैट इज़ स्ट्रेटजिक लेवल ऑफ इवेल्यूएशन नाउ वट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक इवेल्यूएशन कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि मीनिंग क्या है स्ट्रैटेजिक इवेल्यूएशन का ये देखना कि हमारी स्ट्रैटजी कितनी इफेक्टिव है क्या हम उससे अपने गोल को अचीव कर पाए या नहीं कर पाए अब वो दो लेवल पे होता है ऑपरेशनल लेवल और स्ट्रैटेजिक लेवल ऑपरेशनल जो है वो ट्रेडिशनल है जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे फॉलो करते हैं बट स्ट्रैटेजिक लेवल एनवायरमेंट को कंसिडर करता है अजमशन्स को कंसिडर करता है अब इम्पोर्टेंस क्या है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रैटेजी इवेल्यूएशन कर रही है ये इवेल्यूएट कर रही है कि क्या वो अपनी स्ट्रेटजी से अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए या नहीं कर पाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी क्यों इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये करना तो उसका पहला है नीड फॉर फीडबैक अप्रेजल एंड रिवॉर्ड कि जब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि क्या हम स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कुछ वर्क कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे तो आप कैसे सोचोगे कि आगे इस ट्रैटेजी को कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना तो आपको किसी ना किसी फीडबैक की रिक्वायरमेंट है कि जो काम हम कर रहे हैं वो कैसा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है उस चीज़ के रिगार्डिंग हमें फ़ीडबैक चाहिए इसीलिए हमें की वैल्यूएशन करना होता है हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज विद द हेल्प ऑफ स्ट्रैटेजिक इवेल्यूएशन आपको एक फीडबैक एक अप्रीजल मिल जाता है जिसके बेस पर आपको पता चल जाता है कि रिवॉर्डिंग करनी है या नहीं नहीं करनी, Because strategy हम बनाते हैं, but उसे implement HR ही करती है, तो अगर हमारी HR, हमारी strategies को अच्छे से ट कर रही है so obviously उन्हें rewarding होनी चाहिए, तो इन चीजों को डेटरमाइन करने के लिए हमें स्ट्रेटेजी की वेल्युएशन करना पड़ेगा सेकंड चेक ऑन द वैलिडिटी ऑफ स्ट्रैटेजिक चॉइस कि जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई थी क्या वो सही वैलिड स्ट्रेटजी थी इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम स्ट्रेटजी स्ट्रेटेजिक इवेल्यूएशन करते हैं बिकॉज अगर आप अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हो आपने बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया फिर भी आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाए तो इसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन में नहीं फॉर्मेशन में ही दिक्कत थी जो स्ट्रैटेजी आपने चुनी वही गलत थी तो स्ट्रेटेजिक इवेल्यूएशन के थ्रू आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो स्ट्रैटजी आपने फॉर्मुलेट की थी जो आपकी चॉइस थी क्या वो वैलिड थी या नहीं थी Congruence between decision and intended strategy. कि जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है वैसे ही आपको डिसीजन लेने होते हैं अब मान लो आपने माना है कि फ़ाइव परसेंट प्रॉफिट आप इंक्रीज करना चाहते हो तो आपके जितने भी डिसीजनस होंगे वो उसी स्ट्रैटेजी के टॉर्ड्स होंगे ना कि पाँच परसेंट प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए जो स्ट्रैटजी आपने बनाई है उसी को अचीव करने के लिए आपको उसी से रिलेटेड डिसीजन लेने पड़ेंगे अब डिसीजन आप स्टेबिलिटी वाला ले रहे हो कि जैसा पहले काम करते थे वैसा ही आज काम करेंगे कोई चेंज नहीं करेंगे तो अगर हम खुद कुछ चेंज कर ही नहीं रहे हैं तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5% प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो हमारे जो डिसीजंस हैं वो भी हमारी स्ट्रेटजी के साथ बने रहें उसके लिए भी हमें क्या है की इवैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट है बिकॉज़ उसके थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि अगर हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इसका मतलब सही डिसीजंस ले रहे हैं स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही डिसीजन ले रहे हैं सक्सेसफुल कल्मिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस किसकी हेल्प से आप इवेल्युएशन करोगे तो आपकी पूरी जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है उसे अच्छे से परफॉर्म कर सकोगे बिकॉज जब हमने अपनी इनिशियल वीडियोज में डिस्कस किया था कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या होती है तो एक्चुअल में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस एंड ही इवेल्यूएशन पर होती है ताकि हम फ्यूचर में जब स्ट्रैटेजी बनाएं तो उसमें भी वो हेल्प कर सके तो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रैटेजिक इवेल्युएशन हम अपनी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस को ही कंप्लीट कर पाते हैं देन क्रिएटिंग इनपुट फॉर न्यू स्ट्रेटेजिक प्लान कि आज जो आपने स्ट्रेटजी बना रखी है उसकी हेल्प से आपको पांच परसेंट प्रॉफिट इंक्रीज करना था बट आपका सिर्फ तीन परसेंट इंक्रीज हुआ तो नेक्स्ट टाइम जब आप स्ट्रेटेजी बनाओगे तो वो आपको एक इनपुट प्रोवाइड करेगी ना कि आगे आपको क्या चेंजेस करने हैं किस तरीके से मॉडिफिकेशन करके और बेटर आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो तो ये सारी इंपॉर्टेंस है नाउ बैरियर इन इवेलुएशन कि जब आप इवेल्यूएट करते हो तो उसमें कौन कौन से बैरियर आते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं तो फर्स्ट इज़ लिमिट ऑफ कंट्रोल कि इवेल्यूएट जब आप करते हो तो कितना आपको कंट्रोल रखना है वो भी हमारे लिए एक बैरियर है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखते हो अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉइज़ पर एक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कंट्रोल रख रहे हो कि उनकी हर एक चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो वो भी सही नहीं है और अगर आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर रहे मतलब सारी चीज़ें आपने खुली छोड़ दी तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम हो जाएगी और कोई अपने डिसिप्लिन के साथ पंचुअलिटी के साथ काम नहीं करेगा तो कितना कंट्रोल आपको रखना है उसके बेस पे ही आप इवेलुएशन करोगे मीन्स इवेल्यूएसन क्या होता है कि उन चीज़ों को देखना कि क्या वो सही से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे तो उस चीज़ में आपको कितनी स्ट्रिक्टनेस रखनी है या कितना उसने फ्री छोड़ना है वो डिसाइड करना भी एक बैरियर है नाउ डिफिकल्टी इन मेज़रमेंट कि जब भी आप मेज़रमेंट करते हो आप हमेशा चाहते हो कि जो भी आपका मेजरमेंट से आंसर आए वो लॉजिकल होना चाहिए ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एंड वैलिड होना चाहिए बट इन चीज़ों को ये जो क्वालिटीज़ होती हैं गुड इवेल्यूएशन की अपनी मेजरमेंट के अंदर ले कर आना देट इज़ ऑल्सो ए डिफ़िकल्ट टास्क दैट्स वाई वी आर सेंग दै डिफ़िकल्टी इन मेज़रमेंट की क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं अब जो क्वांटिटेटिव होंगे कि भाई हमारी सेल्स इतनी इंक्रीज़ हुई पहले हमने 100 प्रोडक्ट बेचे थे आज हमने 200 बेचे हैं तो उसे तो हम नंबर में बता सकते हैं बट पहले कितने कस्टमर हैप्पी थे अब वो हैप्पी हैं या नहीं ये चीज़ें क्वालिटेटिव हैं उनका पहले क्या परसेप्शन था अब क्या परसेप्शन है तो उनको हम मेज़र नहीं कर पाते तो जो चीज़ें डिफ़िकल्ट होती है मेज़र करने में वो भी हमारी इवेल्यूएशन में क्या डालती हैं प्रॉब्लम नाउ रेसिस्टेंस ऑफ इवेल्यूएशन कि कई बार खुद आपके मैनेजर्स आपके वर्कर्स नहीं चाहते कि उनका इवेल्यूएशन किया जाए कि क्योंकि स्ट्रेटेजी का इवेल्यूएशन होगा तो ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट तो एच आर ही कर रही है ना तो उनका भी इवेल्यूएशन होगा तो मैनेजर ही इस चीज़ के लिए डिनाई करते हैं कि इवेलुएशन ना हो कई मैनेजर्स को ये लगता है कि अगर उन्होंने सही परफॉर्म नहीं किया तो ये लगेगा कि मैनेजर्स ने अच्छा नहीं किया तो उनका इवेलुएशन नहीं होना चाहिए कुछ ऐसा सोचते हैं कि मैंने बहुत यूनिक ट्रिक अपनाई थी और वो उसे सीक्रेट रखना चाहते हैं तो भी वो चाहते हैं उनका evaluation. ना हो सो so दैट जो भी उनका सीक्रेट ट्रिक थी वो बाहर ना आए इसीलिए रेसिस्टेंस होता है वो भी प्रॉब्लम है है शॉर्ट शॉर्ट टर्म टर्म इज़ इज़ में का मतलब क्या है? कि आप इवेल्यूएशन में ही कर लेते हो उस चीज़ पे वो ज़्यादा फोकस रखता है कि स्ट्रेटी को इंप्लीमेंट किया और कुछ टाइम बाद इवेल्युएशन कर दिया बट कई बार हमारी क्या होती है जो स्ट्रेटेजी हम बना रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेनिफिशियल होती है तो उस टाइम पे हमारे इवेल्युएशन में प्रॉब्लम आती है जब ज्यादा फोकस हम शॉर्ट टर्म पे करते हैं देन फोकस ऑन इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी कि किस चीज़ पे फोकस करें इफेक्टिवनेस पे या एफिशिएंसी पे अब इफेक्टिवनेस यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना या नहीं करना एफिशिएंसी कितने अच्छे से कितनी कॉस्ट और टाइमली हमने उन चीज़ों को परफॉर्म किया मान लो पाँच परसेंट प्रॉफिट इंक्रीज़ करना था और हमने पाँच के पाँच परसेंट इनक्रीज़ कर दिया बट फिर भी हमारे पास रिसोर्सेज और भी ज़्यादा थी और पाँच की जगह वो छः परसेंट भी हो सकता था तो इफ़ेक्टिव तो हम हैं गोल को हमने अचीव कर लिया बट एफिशेंसी हमारे पास नहीं है लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट होती हैं तो किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाए किसके अकॉर्डिंग इवेल्यूशन किया जाए ये भी हमारा क्या होता है डिफ़िकल्ट है नाउ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल अभी तक जो हमने डिस्कस किया दैट वॉज स्ट्रैटेजिक इवेल्यूएशन स्ट्रैटेजिक कंट्रोल और स्ट्रैटेजिक इवेल्यूएशन क्वाइट सेम ही है उन्हें बस एक छोटा सा डिफरेंस है द प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मेक इट क्लियर दैट स्ट्रैटेजी इज फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल एजम्पन्स एंड दी रिलेटेड टू द एनवायरमेंट आर डायनेमिक कि मैंने जब आपको शुरू में ही बोला था कि जब भी हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं क्योंकि आप कोई भी प्लान करते हो कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हो तो आप कोई ना कोई चीज़ अज्यूम करके चलते हो कि फ्यूचर में ऐसा ही होगा और इसके अकॉर्डिंग हमें ऐसा काम करना है बट फ्यूचर देखा किसी ने नहीं है वो अनसर्टेन है डायनेमिक है चीजें बदलती रहती हैं तो चीज़ें अगर बदलेंगी तो ऑब्वियसली आज आप प्लान बना रहे हो कि कल आप स्टडी करोगे चार घंटे आप ये पढ़ोगे दो घंटे आप ये पढ़ोगे बट कल ऐसा हुआ कि गेस्ट आ गए गे जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया था तो उसके अकॉर्डिंग क्या आप अपने स्केड्यूल को चेंज नहीं करोगे स्केड्यूल चेंज करना पड़ेगा सिमिलरली आज आपने कोई स्ट्रैटी बना ली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कल अगर एनवायरमेंट में कोई चेंज हो रहा है एकदम से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या घट रही है प्राइजेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं इन्फ्लेशन आ गया डिनफ्लेशन आ गया इन सब चीज़ों की वजह से आपको अपनी स्ट्रैटेजी में भी चेंज करना पड़ेगा और उसी को हम क्या बोलते हैं स्ट्रैटेजिक कंट्रोल सो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल क्या है इट टेक इन टू अकाउंट द चेंजिंग एजम्पन्स यानी कि जो एज्यूम किया था आपने वो चेंज हो रही हैं उन पर जो वर्क करता है ताकि अच्छे से मैंटेन किया जा सके और स्ट्रैटेजी को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके दैट इज़ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल तो स्ट्रेटजिक कंट्रोल का क्या काम है कि जब आपकी जो स्ट्रेटजी के टाइम आपने एजम्पन्स बनाई थी उनको मोनिटर करना रेगुलरली उनको मोनिटर करना और अगर वो चेंज हो रही हैं तो उसके अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करके आगे बढ़ना दैट इज़ स्ट्रैटेजिक

सेकेंड इज इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल अब स्ट्रेटजी आपने बना ली और इम्प्लीमेंट करना दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं प्लान हर कोई कर लेता है बट एग्जीक्यूट हर कोई नहीं कर पाता इट इज़ ईजी टू से बट हार्ड टू डू तो इसका मतलब क्या है कि कहना आसान है बट करना मुश्किल अब स्ट्रेटजी को प्लान और फॉर्मुलेट तो हमने कर लिया बट क्या हम उसे एक्चुअल में एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे तो उस चीज़ को कंट्रोल करना कि हम अच्छी तरीके से उसे एग्जीक्यूट कर सकें इंप्लीमेंट कर सके दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल बिकॉज जितना इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन है कि हमने ना तो ली बट हम एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे तो इंप्लीमेंटेशन को कंट्रोल करना इंप्लीमेंटेशन के टाइम जो जो चीजें रिक्वायर्ड है उन्हें अवेलेबल कराना मॉनिटर करना दैट इज इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल थर्ड इज स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस का मतलब क्या है कि जो हमारे ऊपर के दो टाइप है ना प्रीमाइस और इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल वो स्पेसिफिक थिंग्स से रिलेटेड है जैसे पहला प्रीमाइज जो है वो अजम्पशन से रिलेटेड है इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है बट स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस जो है एक जर्नल प्रिंसिपल या फिर एक जर्नल टर्म है इसमें क्या होता है कि पूरी स्ट्रेटजी ऐसा नहीं कि सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट को सिर्फ अजम्पन्स के पार्ट को पूरी स्ट्रैटजी को मॉनिटर करना जब वो फॉर्मुलेट की जाती है मैनेज की जाती है प्लान की जाती है हर इस एस्पेक्ट पर उसको मॉनिटर करना ताकि अच्छे से अच्छी स्ट्रैटजी बनाई जा सके इम्प्लीमेंट की जा सके और इवेल्युएट की जा सके उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस करना देन स्पेशल अलर्ट कंट्रोल स्पेशल अलर्ट कंट्रोल का मतलब क्या है सडनली स्ट्रैटजी में चेंज करने करने को कंट्रोल करना दैट इज स्पेशल अलर्ट कंट्रोल जैसे कोविड नाइन्टीन आया ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन्टीन के एंड में आया था दिसंबर में हमें मतलब नेशंस को पता चला था कोविड नाइन्टीन के बारे में बट जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने ट्वेंटी ट्वेंटी के रिगार्डिंग प्लानिंग कर ली थी कि किस तरीके से उन्हें अगले साल वर्क करना है बट सब कुछ बंद हो गया लॉकडाउन हो गया तो क्या वो प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर पाई इसीलिए उन्हें सडनली एक स्पेशल प्लान बनाना पड़ा जिसके थ्रू वो ऑनलाइन वर्किंग कर रहे थे उस चीज को कंट्रोल करने को यानी कि आपने एनवायरमेंट में सडन चेंजेस के लिए जो प्लान या स्ट्रेटजी बनाई है उसे कंट्रोल करने को हम क्या बोलते हैं स्पेशल अलर्ट कंट्रोल नाउ प्रोसेस ऑफ इवेलुएशन यही आपकी प्रोसेस कंट्रोल की होती है और यही आपकी प्रोसेस इवेल्युएशन की होती है आपने मैनेजमेंट में भी ये प्रोसेस की होगी काफ़ी सिंपल प्रोसेस है कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है एक स्टैंडर्ड सेट करना होता है ताकि आप ये जैसे स्टैंडर्ड सेट करना बोल दो या फिर अपना ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना बोल दो यानी कि क्या हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो हमें तभी तो पता चलेगा ना जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव होगा तो सबसे पहले हमें अपना एक ऑब्जेक्टिव या स्टैंडर्ड सेट करना होता है जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि फाइव इंक्रीमेंट इन प्रॉफिट तो हम जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है क्वांटिटेटिव भी हो सकता है जैसे फाइव परसेंट इंक्रीमेंट क्या है क्वांटिटेटिव है बट अगर हम बोलें कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन को एनहांस करना कस्टमर की वैल्यू को एनहांस करना ये हमारे क्या हो जाएंगे क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है कि परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स को डिटरमाइन करना कि आप क्या अचीव करना चाहते हो देन सेकेंड इज मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कि जो स्टैंडर्ड आपने बनाए हैं उसके लिए अब आपने काम करना शुरू कर दिया स्ट्रैटेजीज बना के उस पर वर्क करना शुरू कर दिया अब एक्चुअल में मेज़र करना कि हम एक्चुअल में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं तो जब भी आप परफॉर्म कर रहे होते हो उसे जब मेज़र करते हो तो उसमें क्या क्या डिफिकल्टी आती हैं? फर्स्ट इज़ डिफ़िकल्टी इन मेजरमेंट कि जब आपको एक इंडिविजुअल की मेजरमेंट करनी होती है ना कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये पर्टिकुलर पर्सन कैसा काम कर रहा है तो वो आपके लिए इजी होता है क्योंकि आप देख सकते हो कि इसने कितने घंटे काम किया कितनी यूनिट बनाई बट जब आप ग्रुप की करते हो तो आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि क्या हर एक पर्सन ने उतना ही कंट्रीब्यूट किया जितना एक्सपेक्टेड था कई बार चार लोगों को मान लो एक काम दिया तो सिर्फ एक पर्सन ने सिक्सटी से ज्यादा काम किया है बचे हुए बाकी तीनों ने सिर्फ फोर्टी दिया है फिर हम ये नहीं समझ पाते क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे तो ग्रुप को इवेल्युएट करना डिफिकल्ट होता है इंडिविजुअल को वेल करना ईजी होता है जो हमारे मैनेजर्स हैं वो इंटेलेक्चुअल काम ज़्यादा करते हैं जैसे पॉलिसीज बनाना डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी तो उनको इवेल्यूएट करना डिफिकल्ट होता है बट जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज हैं उनको इवेल्यूएट करना इजी होता है क्योंकि उन्हें क्वांटिटेटिव वे में कि इतनी यूनिट बनाई इतने घंटे काम किया उसके बेस पर इवेलुएट कर लेते हैं तो डिफिकल्टी आती है मेजरमेंट के अंदर जब हम ग्रुप को या फिर मैनेजर्स को इवेलुएट कर रहे होते हैं देन टाइमिंग ऑफ मेजरमेंट कि जब भी आप मेज़र करते हो ना तो जैसे आज आपने स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट की तो जरूरी ऐसा थोड़ी होता है कि आज इम्प्लीमेंट की कल ही आपको रिजल्ट मिल जाएंगे ना तो हमें बहुत जल्दी इवेल्यूएट करना चाहिए और ऐसा नहीं कि आप पाँच सात साल बाद इवेल्युएट कर रहे हो तो एक एड्युकेट टाइम होना चाहिए एक अच्छा टाइम होना चाहिए जिस टाइम पर आपको इवेल्यूएशन करना है एंड प्रियोडिसिटी इन मेज़रमेंट प्रियोडिसिटी का मतलब किस फ्रीक्वेंसी के साथ आप मेज़र करोगे आपने आज डाली आज आपने स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया तीन महीने बाद आपने इवेल्युएट किया कि स्ट्रैटेजी कैसा काम कर रही है मान लो हमें लगा कि स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हम सही काम कर रहे हैं बट तीन महीने के बाद फिर से भी तो इवेल्युएट करना होगा कि फिर से तीन महीने बाद फिर किया या फिर एक बार इवेल्युएट करने के बाद काम खत्म हो गया ऐसा तो होता नहीं तो आपको एक फ्रीकवेंसी बनाए रखनी होती है तभी आप क्या कर सकते हो अच्छे से मेज़र कर सकते हो तो सबसे पहले स्टैंडर्ड को डिफ़ाइन करना फिर अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना कि एक्चुअल में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो तो जैसे हमने क्या किया स्टैंडर्ड हमने मांगा था फाइव परसेंट अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना एक्चुअल में हमने देखा कि हम सिर्फ तीन परसेंट को इंक्रीज़ कर पा रहे हैं तो फिर हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा कि उनके बीच में कितना वेरिएंस है कितना डिफरेंस है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना पाँच हम चाहते थे एक्चुअल में तीन है तो इसका मतलब नेगेटिव वेरियंस है टू का अगर पाँच चाहते थे और एक्चुअल में हो गया सात तो इसका मतलब पॉजिटिव वेरियंस है और अगर पाँच चाहते थे पाँच के पाँच ही हुए तो इसका मतलब हमारा क्या है ज़ीरो वेरियंस तो अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच हो जाती है बजटेड परफॉर्मेंस से कि पाँच आप चाहते थे और एक्चुअल भी उतनी ही है तो ये हमारी क्या है आइडियलिस्टिक सिचुएशन कि जितना हमने चाहा था वैसा ही हो गया एक्चुअल परफॉर्मेंस इज़ बेटर कि आपने सात परसेंट इंक्रीज़ कर दिया पाँच परसेंट ही आप सोच रहे थे ये हमारे क्या है वेलकमिंग सिचुएशन कि हम चाहते ही हैं ऐसा हो बट ये बहुत रेयर होता है एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस इज़ बिलो बिलो का मतलब क्या है कि आपकी तीन परसेंट ही आप इंक्रीज़ कर पाए और आप चाहते थे पाँच परसेंट तो थर्ड स्टेप में आपको वेरियंस को आइडेंटिफाई करना होता है कि कितना डिफरेंस है जो एक्चुअल में आप कर रहे हो और जैसा आपने स्टैंडर्ड सेट किया था और लास्ट स्टेप क्या होता है जो भी वेरियंस है उसके बेस पर करेक्टिव एक्शन को लेना अगर आपका इक्वल है तो इसका मतलब पांच आपने चाहा था पांच तो वो ठीक है। बट अगर कम या ज्यादा है इक्वल नहीं है तो वहां पे हमें करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे अगर हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस कम है तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं कम ही छोड़ रहे हैं तो अपने स्टैंडर्ड को फिर से चेक करना कि हमने कहीं बहुत ज्यादा ही हाई स्टैंडर्ड तो सेट नहीं कर दिया जो थोड़े इम्पॉसिबल से हैं या फिर जो प्लान हमने बनाए थे वो गलत हैं तो अपने रीफॉर्मुलेट करना प्लान्स को ऑब्जेक्टिव को या फिर स्ट्रेटजी को ही दोबारा दु, बनाना लेकिन अगर आपका मान लो सात है आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस सेवन है और आपने स्टैंडर्ड फाइव सेट किया था तब भी हमें करेक्शन की क्यों रिक्वायरमेंट है क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा चैलेंजिंग भी हो अगर वो साथ अचीव कर रहे हैं इसका मतलब हमने जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी लो रखा था तो अपने स्टैंडर्ड को फिर से सेट करना पड़ता है तो इस तरीके से हम स्ट्रैटजी कंट्रोल करते हैं आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक इफ़ एफ Any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting.